Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो विज़र्स टेस्टबुक के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। RBI ऑफिस अटेंडेंट की जो तैयारी हम यहां पर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं आज उसी को आगे बढ़ाने के लिए रीजनिंग में और हमारा परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करके सिलेक्शन लेने के लिए रोज दोपहर हम यहां पे 12 बजे मिल रहे हैं दोपहर के फिर से 12 बजे है और मैं यहां पर रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग ये एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ यहां पे जुड़ा हुआ हूं ठीक है तो गुड आफ्टरनून आप सभी को जो भी लोग सेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज के सेशन का एजेंडा कोडिंग डिकोडिंग क्लियर करना कोडिंग डिकोडिंग जो दो से पांच मार्क के लिए एग्जामिनेशन में आ सकता है उस टॉपिक पर कैसे सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों को सही से जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या पता रहना जरूरी है ये सारी चीजें हमें आज के इस सेशन में डिस्कस करनी है ठीक है यस अरुण जी क्लास स्टार्ट हो चुका है यादव जी हेलो मनोज पाटिल गुड आफ्टरनून मी मजाता है तुम्हें क्या ओके सैबेश जी गुड आफ्टरनून ठीक है तो देखो आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा थॉट है जो आज सुबह सुबह ही मुझे किसी ने मैसेज किया था ठीक है कि योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस इट गेट्स बेटर बाय चेंज क्या मतलब है इसका यस अरुण जी चाइनीज कोडिंग लेटर कोडिंग सारी चीजें हम आज के इस सेशन में देखने वाले हैं ठीक है पहले ज़रा ये एक प्यारा सा ख्याल यहाँ पे सुन लेते हैं क्या मतलब है अगर इस ख्याल का इस थॉट का मतलब हम समझ लेते हैं और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करता है ना तो डेफिनेटली आज हम जिस पोजीशन पर है आज हमारी लाइफ जिस स्टेज पर है डेफिनेटली इसके इससे अच्छे स्टेज पे कल जाके हो हो जाएगी ठीक है आपकी लाइफ बेहतर किस्मत से कभी नहीं बनेगी अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे हो तो किस्मत के भरोसे लाइफ कभी अच्छी नहीं बन पाएगी अगर बनी बनी तो भी वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो जो एक अच्छा फेज होगा वो थोड़े टाइम के लिए होगा ठीक है इट गेट्स बेटर बाय चेंज ठीक है अगर लाइफ बेहतर बनती है तो वो किससे बनती है बदलाव से बनती है बदलाव कैसे आता है बदलाव आता है हमारे डिसीजन से हम जो डिसीजन लेते हैं हमें जो करना है वो जो हम फिक्स करते हैं हमारा टारगेट फिक्स करके उसको अचीव करने के लिए जो डिसीजन हम लेते हैं और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं उससे आता है बदलाव और बदलाव से ही यहां पर हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है है ना एक एस्पिरेंट आप हो आपके लाइफ में ये थॉट बहुत ज्यादा मायने रखेगा अगर आप इसको समझते हुए डे टू डे लाइफ में अपना काम करते हो अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते हो तो डेफिनेटली आप आज जिस स्टेज पर हो कल उसके अच्छे स्टेज पर होंगे और आपका सिलेक्शन आप लेकर चलिए ओ कुमार राजेश जी थैंक यू सो मच ओके चलो आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं YouTube पर हमारी क्लासेस चल रही है ऑफिस अटेंडेंट के लिए सुबह 11 बजे बजे सुमित सर क्वांट लेते हैं अंजलि मैम इंग्लिश लेती है दोपहर के 12 बजे मैं खुद यहाँ पर रीजनिंग लेता हूँ का जीए का लेक्चर होता है ठीक है इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स पुष्पक सर का रोज सुबह यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स होता है 7 बजे ठीक है ओके आप में से ज्यादातर लोग जानते ही है इस बैच के बारे में ओके और इस बैच में अभी बहुत सारे लोगों ने एडमिशन भी ले लिया है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एक लाइव बैच टेस्टबुक बुक के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है ठीक है इस बैच में आपको 110 से भी ज्यादा क्लासेस मिल रही है दो से ज्यादा प्रैक्टिस दो सौ से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स प्रैक्टिस करने के लिए चार हजार से भी ज्यादा क्वेश्चंस ठीक है सारे सब्जेक्ट्स के मिलाकर चार हजार से भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे नोट्स भी मिलने वाले हैं आपको रिविजन के लिए अगर इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो इस लिंक पर जाकर आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो और अगर एनरोल करते वक्त आप सचिन ए इस कूपन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है एनरोल करते वक्त अगर आप ये वाला कूपन का इस्तेमाल करते हैं सचिन ए तो एडिशनल ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा लेट्स रॉ करूण जी यस कैन द स्क्रोलिंग में रिमूव फॉर time? ठीक है यस yes. चलो स्क्रोलिंग तो अभी यहाँ से हटाना थोड़ा सा मुश्किल है ठीक है वो चल रहा है चलने दो ठीक है अपना ध्यान अर्जुन की तरह सिर्फ पंछी की आंख पे होना चाहिए है ना जो हमारा टारगेट है सिर्फ ध्यान वही पे रहना चाहिए ठीक है कोडिंग डिकोडिंग का एक बेस मैं आपको बता देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है आप में से कितने लोग कोडिंग डिकोडिंग जानते ही नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है बताना और कितने लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जानते हैं बताइए है। निधि जी पूछ रही है कि बैंक सेक्टर में देने के लिए सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन कौन सी है देखो अगर सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन बैंकिंग सेक्टर में कौन सी है ना तो वो आरबीआई बैंक की निकली हुई वैकेंसी ठीक है आरबीआई ग्रेड बी बैंकिंग सेक्टर में बेस्ट जॉब है आरबीआई ग्रेड बी के बाद एस बी आई की जॉब है और भी बाकी सारे सेक्टर्स के निकलते रहते हैं जैसे नाबार्ड है ठीक है सेबी uh, है इन सारे सेक्टर्स के जो एग्जामिनेशन निकलते रहते हैं इनमें ग्रेड ए ऑफिसर ग्रेड बी ऑफिसर की एग्जाम बहुत मस्त है ठीक है चलो प्रिया राज जी कह रही है उनको पता है ओके okay. अरुण केशव जी कह रहे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में उनको पता है एक्चुअली कोडिंग डिकोडिंग के बारे में सबको पता है ठीक है कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आप में से हर कोई जानता है ठीक है चैटिंग तो हर कोई करता होगा ना है ना तो चैटिंग करते वक्त आप सब लोग ये लिखते हो कि नहीं लिखते हो जी एन एस डी टी सी आगे और बहुत कुछ ठीक है मैं यही पे रुकता हूं ठीक है तो ये क्या है ये कोडिंग डिकोडिंग है डे टू डे लाइफ में जब आप चैटिंग कर रहे होते हो तो आप कोडिंग डिकोडिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हो जीएन क्या था जीएन था गुड नाइट है ना? जीएन क्या है गुड नाइट है, है ना? तो आपने क्या किया जरा समझो यहां पर जब आपने जीएन एस डी टी सी एंड सो ऑन लिखा तो आपने ये जो इंफॉर्मेशन रेगुलर लैंग्वेज में प्रेजेंट थी रेगुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट थी उस इंफॉर्मेशन को किसी लॉजिक की मदद से दूसरे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया यही कोडिंग है ठीक है सत्यम भारती जी एम का अभी तक तो नहीं है ठीक है बट जैसे ही लॉन्च हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा है ना ठीक है तो कोडिंग का मतलब क्या हुआ जो भी इंफॉर्मेशन रेगुलर लैंग्वेज में होती है उस इंफॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर लॉजिक की मदद से दूसरे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना एस डी क्या था स्विट ड्रीम्स किसी एक लॉजिक की मदद से हमने उसको दूसरे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया है ना तो ये क्या है कोडिंग हुआ कोडिंग क्या होता है रेगुलर जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी उस इंफॉर्मेशन को किसी भी लॉजिक की मदद से दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कोडिंग है डिकोडिंग क्या है इसका उल्टा है डिकोडिंग है ना तो डिकोडिंग क्या है ये जो लॉजिक लगाकर इसको दूसरे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है क्या लॉजिक लगाकर रिप्रेजेंट किया है ये पता लगाना मतलब डिकोडिंग है है ना ये पता लगाना मतलब डिकोडिंग है तो कोडिंग डिकोडिंग के बारे में सब लोग जानते हैं है ना कोडिंग डिकोडिंग के बारे में सब लोग जानते हैं तो आज के इस सेशन में एग्जामिनेशन में कैसी कोडिंग डिकोडिंग आती है यह हमें देखना है और कुछ क्वेश्चन सोल्व करना है ना नहीं तो इस कोडिंग डिकोडिंग के बारे में सभी लोग जानते हैं ठीक है, है? चलिए यस नंबर अच्छा यहां पे निधि जी बता रही है कि वो नंबर कोड्स भी इस्तेमाल करते हैं अब ठीक है सब सारे लेटर कोड यूज होता है वर्ड कोड यूज होता है नंबर कोड सारी चीजें होती है ठीक है तो कोडिंग डी पर जैसा कि मैंने कहा एग्जामिनेशन में दो से पांच क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं कितने क्वेश्चंस हमें मिलेंगे एग्जामिनेशन में दो से पांच क्वेश्चंस मिलेंगे कौन कौन से टाइप की कोडिंग रहती है ठीक है एग्जामिनेशन में तीन टाइप की कोडिंग डिकोडिंग हमें देखने को मिलती है कोडिंग-डिकोडिंग का पहला टाइप जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो क्या है लेटर बेस्ड कोडिंग कोडिंग कोडिंग-डिकोडिंग का पहला टाइप जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो है लेटर बेस्ड कोडिंग क्या है समझ लेते हैं जैसा कि यहां पर नाम सजेस्ट कर रहा है उस कोडिंग का बेस उस कोडिंग का आधार क्या होगा लेटर होगा ठीक है तो जब कभी भी एक लेटर को दूसरे लेटर से कोड किया जाता है वो हो जाता है लेटर बेस्ड कोडिंग ठीक है दूसरा है चाइनीज कोडिंग ठीक है चाइनीज कोडिंग या फिर आ, उसको हम रिप्लेसमेंट कोडिंग भी कह सकते हैं ठीक है दूसरा टाइप कौन सा है चाइनीज कोडिंग ठीक है चाइनीज कोडिंग क्या होता है एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता दूंगा एंड तीसरा टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का जिस पर एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबल कोडिंग ये तीसरा टाइप है जिसमें एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबल कोडिंग ठीक है तो आज के सेशन में हमारा टारगेट है ये दोनों टाइप्स आज के सेशन में ये दोनों टाइप्स हमारा एकदम पूरे तरीके से कवर होने चाहिए ठीक है तो आप सभी को

मैं आप लोगों को टाइमर के साथ दूंगा और एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम कितना मिलेगा थर्टी सेकेंड का थर्टी सेकेंड के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ना है समझना है सही आंसर भी बताना है ठीक है इसी रफ्तार से जाएंगे तो एग्जामिनेशन क्लियर होगी ये याद रखना ठीक है नहीं तो जो वैकेंसीज है ना वो वैकेंसीज का एक अच्छा खासा नंबर हमारे सामने है बट वो वैकेंसीज सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वही लेके जाएंगे जो उन वैकेंसीज के लिए ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं तो आपको अगर वो वैकेंसी चाहिए है, है ना दुनिया में किसी भी चीज को पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है जो चीज आप पाने की इच्छा रखते हो उस चीज के काबिल बनना पड़ता है ठीक है तो सब लोग अपने अपने एबिलिटीज पे काम करेंगे और अपना अपना सिलेक्शन लेंगे ठीक है श्रेयांश जी न्यू पैटर्न मतलब यही अल्फा न्यूमेरिक सिंबल कोडिंग में यहां पर थोड़े बहुत क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे क्या होता है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल कोडिंग आने वाले सेशन में देखेंगे हम ठीक है चलो तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं अटेंडेंस अगर किसी ने मार्क नहीं की होगी सेशन लाइक करना और अपने अटेंडेंस मार्क करना फटाफट अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर भी कर देना ठीक है आज के सेशन का अरे आज के सेशन से पहले ये कल होमवर्क दिया था और आप में से सब लोगों ने वो होमवर्क सॉल्व नहीं किया है ठीक है ये कल मैंने आपको होमवर्क दिया था ये पजल ठीक है इस पजल का सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं इस तो इस इसका सही आंसर सोल्व करके आप में से बताया था आदित्य शर्मा जी ने सोमो बाबू जी ने बताया था अक्षय करे जी ने बताया था नेहा सिंह राजपूत जी ने बताया है एंड पिंकी वर्मा ने बताया है सिर्फ इतने ही लोगों ने यह पजल सॉल्व की थी ठीक है तो आज के सेशन में जो होमवर्क मिलेगा सबको सॉल्व करना है ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन आज के सेशन का समय समाप्त ठीक है एग्जामिनेशन में इस रफ्तार से आंसर आने चाहिए जितने टाइम में वो अपना सैंड क्लॉक टाइम कर रहा है उतने टाइम में आप सभी लोगों को क्वेश्चन के आंसर निकालने निकलेंगे क्या बिल्कुल निकलेंगे क्यों नहीं निकलेंगे अगर टारगेट हमारे सामने है उस टारगेट तक जाने का रास्ता हमें पता है रास्ता थोड़ा सा कठिन हो सकता है बट इम्पॉसिबल तो नहीं होगा ना ठीक है तो चलिए यहां पर देखते हैं जरा क्या दिया है हमें किसी एक लैंग्वेज में ब्रोक को कैसे लिखा जाता है हमें बताया गया है ठीक है हमें बताया गया है किसी एक लैंग्वेज में ब्रोक को लिखा जाता है कुछ इस तरीके से क्या लिखा जाता है यू के एच एन यू के एच एन तो उसी लैंग्वेज में मिक्सर को कैसे लिखा जाएगा ठीक है उसी लैंग्वेज में मिक्सर को कैसे लिखा जाएगा यह हमें बताना है अब यह बताने के लिए देखो ब्रोक यह रेगुलर लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन थी इस इंफॉर्मेशन को दूसरे फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया है ठीक है तो यहां पर क्या लॉजिक लगाकर यह इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया ये देखना पड़ेगा और ये देखने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं है ना एक इंफॉर्मेशन को दूसरे लॉजिक के साथ रिप्रेजेंट करते वक्त अगर लॉजिक पता करना है आपको तो सबसे आसान तरीका क्या है इनमें से कोई भी एक लेटर उठाओ और उस लेटर के सबसे नजदीक इनमें से कौन सा लेटर आ रहा है बस इतना देखो जैसे अगर मैं बी यहां पर चूज कर रहा हूं तो इन सब लेटर्स में बी के सबसे नजदीक कौन आ रहा था ई e आ रहा था है ना? तो मैं कोशिश करता हूं मुझे अभी पता नहीं है कंफर्म मैं बस एक कोशिश करके देख रहा हूं बी का रिलेशन ई e के साथ लग सकता है क्या कोशिश करने के लिए मैंने कोशिश का क्राइटेरिया क्या रखा नजदीकी लेटर्स तो बी के नजदीक ई e आ रहा था आर के नजदीक क्या आ रहा है आर के नजदीक यू आ रहा है तो जो भी पैटर्न हम लगाने की कोशिश कर रहे होंगे उस पैटर्न में लॉजिकल कंसिस्टेंसी मिलनी चाहिए देखो पहले का रिलेशन दूसरे के साथ दूसरे का रिलेशन पहले के साथ थोड़ा थोड़ा लॉजिक लग रहा है ओ का का सबसे सबसे नजदीक नजदीक एन है है ठीक बट के यहां पर के खुद है यहां पर पैटर्न थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है इस एंड से जा रहा है मैं इस एंड से आने की कोशिश करता हूं e के सबसे नजदीक लेटर कौन सा आता है ई e के सबसे नजदीक लेटर एच आता है के के सबसे नजदीक लेटर कौन सा आता है एन आता है ठीक है तो यहां पर अब जरा देखना कि हो क्या रहा है अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट्स देखते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में सीक्वेंस क्या है बी सी डी ई ठीक है तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग बी से लेकर ई e तक अगर जाना पड़ा तो तीन स्टेप्स आगे जाना पड़ रहा है हमें है ना बी से लेकर ई e तक जाने के लिए तीन स्टेप्स आगे जाना पड़ रहा है यानी बी का रिलेशन ई e के बी का रिलेशन ई e के साथ क्या हुआ बी का रिलेशन ई e के साथ हुआ प्लस थ्री आर और इंग्लिश अल्फाबेट्स में देखते हैं तो आर एस टी यू आर से लेकर मुझे यू तक अगर पहुंचना है तो कितने स्टेप्स आगे जाना पड़ रहा है तीन स्टेप्स आगे जाना पड़ रहा है यानी आर का रिलेशन यू के साथ क्या हुआ प्लस थ्री हुआ ठीक है, अब इंग्लिश अल्फाबेट्स में ये o और K ही बचे हैं। जरा K और ओ का सिनारियो इंग्लिश अल्फाबेट्स में देख लेते हैं ठीक है के एल एम एन ओ इंग्लिश अल्फाबेट्स में ऐसा सिक्वेंस होता है अब ओ से मुझे के तक पहुंचना है तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ रहा है ओ से के तक पहुंचने के लिए मुझे एक दो तीन चार स्टेप्स पीछे आना पड़ रहा है यानी ओ का रिलेशन के साथ क्या हुआ माइनस फोर ओ से के तक पहुंचना था तो चार स्टेप पीछे जाने के बाद ही मैं पहुंचूंगा यानी यह रिलेशन क्या हुआ माइनस फोर हुआ के और एन के बीच में अगर हमें रिलेशन चाहिए तो यहां पर के एल एम एन K का रिलेशन एन के साथ चाहिए तो तीन स्टेप्स आगे जाना पड़ा यानी यह रिलेशन क्या हुआ प्लस थ्री हुआ से तक पहुंचने के लिए तीन स्टेप्स आगे जाना पड़ा यानी यह भी रिलेशन क्या हुआ प्लस थ्री हुआ ठीक है यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने समझी है उस बात पे आएंगे पर मिक्सर का कोड पहले देखेंगे ठीक है ना मिक्सर का कोड पहले देखेंगे और यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट बात है लेटर टू लेटर कोडिंग का जी लेटर टू लेटर कोडिंग का जो बुनियाद है वो यहां पे देखेंगे ठीक है ना अब ध्यान से देखना हो क्या रहा था पहले लेटर का कोड कौन सी पोजीशन पे जा रहा था जो पहला लेटर था उसका कोड जा रहा था दूसरी पोजीशन पे तो मिक्सर पर हमें यही लॉजिक लगाना होगा गुड नाइट में जी और एन का हमने पहला पहला लेटर लिया था गुड और नाइट का तो स्वीट ड्रीम्स में भी हमने वैसा ही किया तो यहां पर पहले लेटर का कोड अगर दूसरी जगह जा रहा है तो यहां पर भी पहले लेटर का कोड कहां जाएगा दूसरी जगह पर जाएगा और क्या लॉजिक के साथ जाएगा प्लस 3 लॉजिक के साथ जाएगा तो एम का प्लस 3 एन ओ पी तो यहां पर क्या आना चाहिए था यहां पर पी आना चाहिए था ठीक इसके बाद यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आ रहा है ओके okay, यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे जो सेकंड लेटर है उसका कोड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है सेकंड लेटर आए है फर्स्ट पोजीशन पे उसका कोड आएगा रिलेशन क्या होगा प्लस थ्री आई का प्लस थ्री जे के एल आई का प्लस थ्री क्या होता है एल होता है तो एल यहां पर आ जाएगा ठीक है अब ये बीच वाले लेटर का क्या करना था बीच वाले लेटर का माइनस फोर लेना था ठीक है तो x का माइनस फोर टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स का माइनस फोर क्या होता है x का माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एक्स का माइनस फोर क्या होता है t तो यहां पर क्या कोड आ जाएगा t आ जाएगा बचे e और r e और r बचे तो यहां पर अब जरा देखना e का कोड जाना चाहिए था आखिरी पोजीशन पे है ना तो ई का कोड आखिरी पोजीशन पे रिलेशन क्या होगा रिलेशन होगा प्लस फोर अब ई का सॉरी प्लस थ्री ई का प्लस थ्री एच है हमें ऑलरेडी पता है तो यहां पर एच लिख देते हैं आर का प्लस थ्री चाहिए था एस टी यू हमें कोड मिल गया एल पी टी यू एच कौन सा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर था डिस्कशन क्लियर हो गया सबको यस श्रद्धापाल जी मिक्सर का कोड आपने बिल्कुल सही बताया है राम कुमार जी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए इधर उधर की बातें चली कमेंट सेक्शन में मैं ब्लॉक कर दूंगा पढ़ाई के लिए आए हैं पढ़ाई चलेगी यहाँ पर ठीक है तो चलो अब जरा देखो लेटर टू लेटर कोडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है अब देखो इसके बाद हम चाइनीज कोडिंग पे चलेंगे लेटर टू लेटर कोडिंग की बुनियाद क्या है बेस क्या है लेटर के लिए जो कोड आता है वो भी एक लेटर ही होता है ध्यान से समझना अगर लेटर टू लेटर कोडिंग में आपको इसके बाद परेशान नहीं होना है ठीक है सारी चीजें एकदम मक्खन जैसी आप चाहते हो लेटर टू लेटर कोडिंग में तो एक बेसिक चीज पे ध्यान देना है क्या लेटर टू लेटर कोडिंग में लेटर के लिए जो कोड बनकर आता है वो भी तो क्या होता है एक लेटर ही होता है तो यहां पर बेसिकली क्या होगा लेटर टू लेटर कोडिंग में हमें दो चीजें समझनी पड़ती है कौन सी दो चीजें समझनी पड़ती है लेटर टू लेटर कोडिंग में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या समझना है हमें रिलेशन ठीक है जैसे अभी जो एग्जाम्पल डिस्कस किया उसमें रिलेशन क्या था एक लेटर का रिलेशन दूसरे लेटर के साथ क्या था एक तो प्लस थ्री था दूसरा माइनस फोर था है ना? तो ये रिलेशंस जो होते हैं ध्यान से सुनना सिर्फ तीन टाइप के होते हैं लेटर टू लेटर पूरी लेटर टू लेटर कोडिंग में सिर्फ तीन टाइप के रिलेशन होते हैं ठीक है तीन टाइप के रिलेशन कौन सा एक तो प्लस माइनस वाला रिलेशन होता है ठीक है एक प्लस माइनस वाला रिलेशन यानी क्या एच ये लेटर है इस लेटर के लिए अगर कोड बनकर के आता है तो किसी भी लेटर के लिए उसके आगे वाला लेटर कोड बन के आ रहा है तो वो रिलेशन प्लस वाला होगा एच के बाद एच के बाद आई जे के, के बाद आए, जे, के, के तक पहुंचने के लिए तीन स्टेप्स आगे जाना पड़ा यानी ये रिलेशन क्या था ये रिलेशन प्लस थ्री का था ठीक है अगर किसी भी लेटर के लिए उसके पहले वाला लेटर कोड बनकर आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एच के लिए एफ ये लेटर कोड बन के आया तो इसका रिलेशन क्या होगा माइनस वाला एच से लेकर एफ तक पहुंचने के लिए दो स्टेप्स पीछे जाना पड़ रहा है यानी ये क्या होगा माइनस टू होगा ठीक है तो चलो अब जरा एक रिवर्स रिलेशन दूसरा रिलेशन क्या होता है रिलेशन का दूसरा टाइप है रिवर्स रिलेशन ठीक है रिवर्स रिलेशन में क्या होता है एच का रिवर्स लेटर यहाँ पे कंसिडर किया जाता है अब ये रिवर्स लेटर क्या होता है ठीक है अगर इंग्लिश अल्फाबेट में मैं ए को जेड से रिलेट कर दू पहले आखिरी लेटर के साथ दूसरे लेटर को सेकेंड लास्ट लेटर के साथ तीसरे लेटर को थर्ड लास्ट लेटर के साथ चौथे लेटर को फोर्थ लास्ट लेटर के साथ सो ऑन so अगर मैं ऐसा करता हूं तो इनको हम रिवर्स पेयर्स बोलते हैं ठीक है तो ये रिलेशन समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो लेटर टू लेटर कोडिंग में ये रिलेशन होता है ये हमें समझना है ओके okay? चलो ठीक है क्लियर है सभी को अगर ये क्वेश्चन का डिस्कशन और लेटर टू लेटर कोडिंग क्या होती है और उसमें क्या अप्रोच लगाना है रिलेशन एक पता करना है ठीक है दूसरी एक चीज इसमें पता करनी होती है वो क्या होती है पैटर्न होती है ठीक है दूसरी एक चीज इसमें पता करनी होती है वो क्या होती है पैटर्न होती है तो पैटर्न कौन कौन से होते हैं जरा देख लेते हैं ठीक है तो पैटर्न का मतलब क्या होता है ठीक है पैटर्न का मतलब क्या होता है पैटर्न का मतलब कौन से लेटर का कोड कौन सी पोजीशन पर आ रहा है इसको पता करना मतलब पैटर्न को पता करना ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा पहले लेटर का कोड दूसरी पोजीशन पे आ रहा था और दूसरे लेटर का कोड पहले पोजीशन पे आ रहा था ठीक है चलो तो यहां पर, ओके तो यहां पर कौन से लेटर का कोड कौन सी पोजीशन पर आ रहा है इसको पता करना मतलब पैटर्न को पता करना होता है ठीक है तो यहां पर पैटर्न क्या क्या है ठीक है पैटर्न में क्या होता है एक होता है फेस टू फेस पैटर्न फेस टू फेस पैटर्न का मतलब क्या होगा जो भी पहला लेटर होगा, उसका कोड पहले पोजीशन पर होगा दूसरा लेटर होगा उसका दूसरी पोजीशन पर होगा एंड सो ऑन एंड एक होता है क्रॉस पैटर्न जो अभी हमने क्रॉस पैटर्न यहां पे देखा ये वाला पैटर्न ठीक है चलो टाइम जाता है तो टाइम अगर आपको कवर करना है इसमें जाने वाला टाइम अगर आपको कवर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बढ़ेंगे चाइनीज कोडिंग पे चाइनीज कोडिंग का एक सेट तीन से पांच मार्क के लिए आता है ठीक है तो थर्टी सेकेंड का टाइम मैं आपको दूंगा एक क्वेश्चन के लिए थर्टी सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर बताना है ठीक है चलिए चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शांतिलाल जी कह रहे सर लेट हो गए शांतिलाल जी सर लेट नहीं हुए सर टाइम पर ही है अपने रोज दोपहर बारह बजे के टाइम पे ठीक है चलिए चलो टाइम हो गया है खत्म यस रॉक माइकल जी बिल्कुल सही कहा आपने पैटर्न क्रॉस एंड फेस टू फेस होते हैं ठीक है अब कोडिंग डिकोडिंग का ये जो हमने टाइप देखा आपके सामने ये जो क्वेश्चन था अभी कुछ देर पहले वो चाइनीज कोडिंग कहलाता है ठीक है या फिर इसी को हम रिप्लेसमेंट कोडिंग भी बोलते हैं तो अब जरा यहां पर ध्यान देना बहुत सिंपल है लॉजिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक बहुत ही आसान है ठीक है देखो फेमस हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले तो हमें बताया गया था हाउस नेवर पार्क स्टैंड कोड ये इसका है ठीक है इस स्टेटमेंट का कोड ये है एंड बोट हियर नियर हाउस इसका कोड ये है हमसे क्या पूछा गया है कि फेमस का कोड क्या है अब यहां पर हम देखते हैं तो दी हुई इंफॉर्मेशन में फेमस यहां पर है दूसरे स्टेटमेंट में तीसरा वर्ड फेमस है तो फेमस का कोड दूसरे स्टेटमेंट का तीसरा कोड फेमस का कोड होना चाहिए था एच जी हमें मिल गया है ना एच जी हमें मिल गया एच जी फेमस का कोड होना चाहिए था अगर इतना ही सिंपल होता तो इतनी अच्छी अच्छी सैलरी की पोस्ट के लिए ऐसा सवाल नहीं पूछा करते ना है ना यह लॉजिक नहीं है यहां पर यह लॉजिक बिल्कुल भी नहीं है ओके इस क्वेश्चन को ऐसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करते ध्यान से सुनना ठीक है देखो हमें किसका कोड चाहिए था फेमस का कोड चाहिए था अब फेमस का कोड निकालने के लिए दी हुई इंफॉर्मेशन में फेमस कहां कहां पर आया है देखते हैं फेमस हमें मिलता है सेकंड स्टेटमेंट में फेमस फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं है फेमस थर्ड स्टेटमेंट पर नहीं है एक सिंपल सा कॉमन सेंस क्या कहता है कि फेमस अगर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट में आया है तो फेमस को रिप्रेजेंट करने वाला कोड सेकंड स्टेटमेंट में होना चाहिए है ना है फेमस इन दोनों स्टेटमेंट में कहीं पर भी आया है क्या नहीं फेमस इन दोनों स्टेटमेंट में कहीं पर भी नहीं आया है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि इन चार कोड में से जो कोड इन दोनों स्टेटमेंट में नहीं होगा वही फेमस का कोड होगा क्योंकि फेमस अगर इसमें और इसमें नहीं है पहले और तीसरे स्टेटमेंट में फेमस नहीं है तो फिर फेमस के कोड वहां पर हो सकते हैं क्या नहीं तो अब जरा हम यहां पर देखते हैं अगर हम जेके की बात करते हैं तो जेके हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है तो क्या जेके फेमस का कोड हो सकता है नहीं अगर फेमस फेमस का कोड होता, तो को पहले स्टेटमेंट में भी होना चाहिए था जो कि नहीं था यानी जेके तो गया है ना अब एस ए की बात करते हैं अगर हम तो एस ए हमें तीसरे स्टेटमेंट में दिखाई देता है तो एस ए फेमस का कोड हो सकता है क्या नहीं हो सकता एच जी की अगर हम बात करते हैं तो एच जी हमें पहले स्टेटमेंट में दिखाई देता है तो एच जी भी फेमस का कोड कोड हो सकता है क्या? क्या नहीं, बचा क्या? सिर्फ e -H. E -H ही सिर्फ ऐसा बचा सिर्फ सिर्फ ही ऐसा जो हमारे पास बचता है तो ई e एच यानी ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर हो गया मेथड क्लियर हो गई आपको रॉक माइकल जी आपने भी ऐसे ही सॉल्व किया बहुत बढ़िया अजय वर्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं एच जी हाउस का कोड है ओके okay, बढ़िया विपिन शौकीन जी ऑप्शन नंबर थ्री आपका बिल्कुल सही आंसर है अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताना है मेथड अगर क्लियर हो गई है तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर टाइम ठीक है अब इस कोड लैंग्वेज में हमें क्या पता करना था कि एच जी किस को रिप्रेजेंट कर रहा है अब थोड़ी देर पहले हमने क्या किया थोड़ी देर पहले हमने किस वर्ड को कौन सा कोड रिप्रेजेंट किया है यह ढूंढा अब हमें क्या ढूंढने के लिए बोला जा रहा है कि एक कोड दिया गया है और उस कोड को कौन सा वर्ड उससे रिलेटेड है यह पूछा जा रहा है तो एच जी कौन से वर्ड के लिए आया है यह देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह देखने के लिए एचजी कहां-कहां पर आया है ढूंढना होगा ढूंढते हैं ठीक है तो एचजी कहां-कहां पर दिखता है हमें एचजी यहां पे दिखता है एचजी सेकंड में भी दिखता है एचजी थर्ड में भी दिखता है तो एचजी एक ऐसा कोड है जो पहले दूसरे तीसरे स्टेटमेंट सब जगह आ चुका है अगर एच जी ये कोड पहले स्टेटमेंट में है इसका मतलब एच जी जिस किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो वर्ड पहले स्टेटमेंट में होना चाहिए दूसरे में भी होना चाहिए तीसरे में भी होना चाहिए अगर ये कोड तीनों जगह पे आ रहा है तो जिस किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तीनों जगह पे होना चाहिए वो वर्ड है ना तो यहां पर जरा देखते हैं ठीक है अब जरा देखो इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड हमें मिलता है ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन तीनों स्टेटमेंट में हमें मिलता है हाउस नियर पार्क स्टैंड स्टैंड कॉमन मिले पहले दो स्टेटमेंट में कौन से दो वर्ड्स मुझे कॉमन मिले स्टैंड एंड हाउस ठीक है तीसरा स्टेटमेंट बोट हियर नियर हाउस अब हाउस एक ऐसा ही एक यही एक वर्ड था जो तीनों स्टेटमेंट में कॉमन आ रहा हो ठीक है हाउस यहां पर एक एक ही ऐसा वर्ड है जो तीनों स्टेटमेंट में कॉमन आ रहा हो तो एच जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एच जी रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस को कौन से ऑप्शन में दिया था ऑप्शन नंबर फोर में यस श्रद्धा पाल पूजा ठाकुर निधि सिंह अरुण केशव रॉक माइकल आप सबका आंसर यहां पर बिल्कुल सही है ठीक है गीता जी हाउस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर लॉजिक क्लियर हो गया चाइनीज कोडिंग और लेटर कोडिंग कैसे सॉल्व करना है लॉजिक क्लियर हो गया है सेशन लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करना चलो अभी तक बहुत सारे लोगों की अटेंडेंस बाकी है है ना तो सेशन लाइक करके अटेंडेंस मार्क करो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने स्क्रीन पर अच्छा मनोज पाटिल आप, आपका भी आंसर था चलो ठीक है मनोज जी आपका आंसर देखने से पहले शायद आपका नाम ऊपर चला गया रॉक माइकल जी ने सबसे पहले आंसर दिया है क्या दिया है वाई एस वाई एस तो यहाँ पे है ही नहीं ठीक है वाई एस तो यहाँ पर है ही नहीं एस ए बी ए एस ए बी ए एस ए एस ए यानी ऑप्शन नंबर वन आर यू श्योर हियर का कोड हमें चाहिए किसका कोड हमें चाहिए Here का कोड चाहिए देखना एस ए जो आप सब लोगों ने आंसर किया है क्या वो आंसर सही है ठीक है हियर का कोड ढूंढने के लिए हियर कहां कहां पर आया है देखेंगे अब हियर हमें दो जगह पर मिलता है ठीक है हियर हमें मिलता है यहां पर और हियर हमें मिलता है यहां पर ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट में तो हियर नहीं है अब हियर का जो भी कोड होगा वो दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में कॉमन होना चाहिए पर उससे पहले जरा यह देखना है क्या इन दोनों स्टेटमेंट में here, अकेला ऐसा वर्ड है जो कॉमन है क्योंकि अगर एक से ज्यादा वर्ड्स कॉमन हो जाते हैं दो स्टेटमेंट में तो एक से ज्यादा कोड्स भी तो कॉमन हो जाएंगे और फिर उनमें पता करने में थोड़ा सा हमें और दिमाग लगाना पड़ेगा चलो देखते हैं स्टैंड तो यहां पर एक और वर्ड कॉमन आ रहा है तो दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में दो वर्ड्स हमें कॉमन मिल रहे हैं वो दो वर्ड्स कौन से हैं हियर एंड हाउस दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में दो वर्ड्स हमें कॉमन मिले वो वर्ड्स कौन से थे हियर एंड हाउस कोड्स भी दो कॉमन होने चाहिए थे कौन से दो कोड्स हमें कॉमन मिल रहे हैं यहां पर एक कोड तो एचजी होगा एक कोड क्या होगा एचजी होगा ठीक है एंड दूसरा कोड क्या है दूसरा कोड यहां पर जो कॉमन है वो एस ए है ठीक है यहां पर दूसरा कोड जो कॉमन था वो क्या था एस ए था तो एच जी एंड एस ए ये दोनों कोड होंगे हियर एंड हाउस के ठीक है पर यहां पर एक अच्छी बात ये है कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आ, यहां पर हाउस का कोड निकाला था ठीक है थोड़ी देर पहले ही हमने हाउस का कोड निकाला था और वो क्या था एच जी था यानी ये साफ हो गया कि हियर का कोड क्या होना चाहिए था एस ए होना चाहिए था इसका मतलब आप सभी लोगों का आंसर एकदम सही है ऑप्शन वन इसका सही आंसर था चाइनीज कोडिंग क्लियर हो गया सबको चाइनीज कोडिंग कैसे सॉल्व करना है ये अगर समझ में आ गया है तो सभी लोग एक बार कमेंट में क्लियर टाइप करके बताना क्लियर टाइप करना ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर जितने फुर्ती के साथ आपने दिया है ना उतने ही फुर्ती के साथ आगे के क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं एक अप्रोच पे बात करना चाहूंगा जो आप में से शायद कुछ एस्पेरेंट्स ने यूज किया होगा कभी कभी क्या होता है ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ एस्पेरेंट्स सारे वर्ड्स के कोड एक साथ निकाल लेते हैं आप में से किया है क्या कि किसी ने ऐसा ठीक है सारे के सारे वर्ड्स के कोड एक ही साथ में निकाल लिया और फिर उस पर क्वेश्चन जो पूछे उनके आंसर कर लिए मेरे हिसाब से वो अप्रोच फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि अब जरा देखो ये जो हमने सेट सॉल्व किया इस सेट पर इस क्वेश्चन में कितने वर्ड आए थे चार चार आठ चार बारह बारह वर्ड्स आए थे ठीक है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि 12 के 12 वर्ड का कोड चाहिए हो ठीक है 12 में से अभी तक हमने कितने कोड देखे हैं दो कोड यहां पर देखे और दो कोड पहले देखे हैं यानी सिर्फ चार एक्चुअली तीन या चार ही कोड हमें लगे हैं ठीक है तो अगर हम सारे वर्ड्स के कोड पहले ही ढूंढते बैठेंगे बेवजह हम वहां पर टाइम दे देंगे ठीक है और वो टाइम इस ऐसी जगह जाएगा जिसकी जरूरत भी नहीं है है ना तो मेरे हिसाब से वो टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है और वो अप्रोच यूज नहीं करना चाहिए ठीक है यस अजय वर्मा जी, उस अप्रोच से टाइम वेस्ट होगा इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कहता रहूंगा चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन के कोड्स निकालने हैं जितने इंफॉर्मेशन की जरूरत है ठीक है चलिए गणपत मीना जी गुड आफ्टरनून आफ्टरनून हो गया गणपत जी ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर टाइमर के साथ ठीक है टाइम खत्म होने से पहले सबको आंसर करना आंसर सही भी होना चाहिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो टाइम अप इस क्वेश्चन का आंसर मधु जी कह रही है टीबी प्रियंका जी कह रही है बी ए प्रभाकर नीला सक्सेना पिंकी वर्मा आयुषी जोशी बी ए अक्षय करे बी ए कह रहे हैं रॉयल जी टी बी टी ए टी बी और बी ए में थोड़ा सा कंफ्यूजन है देखते हैं ठीक है वॉट डज द कोड नियर रिप्रेजेंट नियर वॉट डज द कोड फॉर नियर वॉट इज द कोड फॉर नियर क्वेश्चन होना चाहिए था ओके okay. नियर के लिए क्या कोड है ठीक है ठीक है यहां पर डज सुट नहीं हो रहा है यहां पर इज होना चाहिए था वॉट इज द कोड फॉर नियर चलो ठीक है अब नियर का कोड ढूंढने के लिए नियर कहाँ कहां पर आया है देखते हैं है ना तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें नियर मिलता है सेकेंड स्टेटमेंट में नियर नहीं है थर्ड स्टेटमेंट में नियर मिलता है फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट में नियर मिल रहा है फर्स्ट और थर्ड में और कोई वर्ड कॉमन है क्या फर्स्ट और थर्ड में हाउस ये एक वर्ड कॉमन है तो फर्स्ट और थर्ड में कोड्स भी तो दो कॉमन मिलेंगे कौन से दो कोड्स कॉमन है यहां पर एक कोड जो कॉमन मिला वो बी है दूसरा कोड जो कॉमन मिला वो एच है एच तो नियर का कोड हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि एच तो हाउस का कोड था हमने पहले ही निकाला है अगर ये हमारे पास पहले से है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अब एक छोटा सा अपडेट है यहां पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको? <coughs> कि Chinese coding में जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन का कोड निकालेंगे और उस प्रोसेस में जिन जिन के कोड्स हमें पता चलते हैं उनके कोड्स हम रफ शीट पे लिख के रखेंगे सिर्फ उन्हीं के कोड्स लिख के रखने हैं जो हमें क्वेश्चन सोल्व करते करते पता चल रहे क्योंकि आगे के सेट में वो काम आ सकता है तो बस ये दो चीजें ध्यान रखिएगा चाइनीज कोडिंग से आपको प्यार हो जाएगा ठीक है तो चलो अब यहां पर क्या मिला है एक बी ए ही बचा था तो ऑप्शन नंबर फाइव बी ए इसका सही आंसर होना चाहिए है ना तो बी ए जिन्होंने आंसर दिया था बिल्कुल सही आंसर था टीबी जिनका आंसर था

नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर टाइम खत्म ठीक है तो चलो अब जरा यहां पर देखो कॉम्प्रिहेंशन अलग दिया था थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, चीजें बस सही से ऑब्जर्व करेंगे हमें क्या चाहिए था तू है ना टी यू तू नहीं ये टी यू है ठीक है कौन सा वर्ड के लिए टी यू आ रहा है तो टी यू कौन से वर्ड के लिए आता है देखने के लिए सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन में टी यू कहां कहां पर है देखना पड़ेगा टी यू पहले स्टेटमेंट में है टीयू दूसरे स्टेटमेंट में तीसरे स्टेटमेंट में है तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो पहले और तीसरे स्टेटमेंट में दिख रहा है ठीक है टर्म फाइंड एंड डेट ठीक है तो यहां पर डेट मिला मुझे टर्म नहीं है फाइंड नहीं है एंड नहीं है तो यहां पर एक ही वर्ड मुझे दोनों स्टेटमेंट में कॉमन मिला और वो वर्ड कौन सा था डेट था तो टीयू कौन सी वर्ड के लिए आ रहा है डेट इस वर्ड के लिए आ रहा है जो कहा था ऑप्शन फोर में था ऑप्शन फोर इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ठीक है चलिए किस किसने सही आंसर दिया है प्रियांशी राज प्रीति जयसवाल अच्छा कोकण गांव अच्छा चलो ठीक है नीला सक्सेना मनोज पाटिल विपिन सक्सेना प्रतिभा चौधरी आपका आंसर सही है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा क्लीन का कोड पूछा है आपसे चलो जल्दी से बताओ का कोड एक्स ओके रॉक माइकल जी कह रहे हैं एक्स यू नीला सक्सेना जी कह रही है एक्स यू नीतू गुप्ता शुभम कुमार आकाश ठाकुर यादव एक्स यू रचित यादव जी कह रहे हैं सर सिलेक्टेड इन आरआरबी क्लर्क फ्रॉम यूपी थैंक्स फॉर ये रचित जी आपको रिजल्ट भी ऐसा ही अच्छा हो ओके okay? और आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसमें आपको रिजल्ट मिले रचित जी आपकी मेहनत मैंने देखी थी आपने सेशन बहुत रेगुलरली अटेंड किए थे ओके सो फाइनली उस मेहनत का आपको फल मिल गया कॉन्ग्रेचुलेशन एंड एंजॉय को डिस्कस करते हैं हमसे क्या पूछा है क्लीन का कोड पूछा है जैसे रचित जी ने अभी अपना रिजल्ट सबके साथ यहां पे शेयर किया है वैसे ही आप लोगों को आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट आने के बाद आपका रिजल्ट शेयर करना है ठीक है बट ये रिजल्ट ऐसा ही नहीं मिलेगा उसके लिए रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो चलो सब लोग अपने रिजल्ट को ऐसे ही यहां पर शेयर करने के लिए खुद के रिजल्ट को है ना खुद ही को सिलेक्शन लेना है है ना तो पढ़ाई एकदम जोर शोरों से करते हैं क्लीन का कोड चाहिए था क्लीन कहां पर है फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं था सेकंड स्टेटमेंट में क्लीन है थर्ड स्टेटमेंट में क्लीन नहीं है क्लीन दी हुई इंफॉर्मेशन में से सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट में प्रेजेंट है तो क्लीन का कोड भी सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट में होना चाहिए था कौन सा ऐसा कोड है जो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट में प्रेजेंट है नहीं है, है? ठीक एमयू की बात करता हूं तो एमयू भी फर्स्ट में नहीं है थर्ड में नहीं है, है। बीयू तो की अगर मैं बात करता हूं तो बीयू यहां पर हमें थर्ड में मिलता है ठीक है अब जरा यहां पर देखना सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट में आए हैं ऐसे कितने कोड्स हैं हैं ठीक है नीतू गुप्ता जी जी कह रहे अपना टाइम भी आएगा जी, थोड़ी सेशन के शुरुआत में मैंने यही कहा था अपना टाइम आएगा नहीं अपना टाइम हमें लाना है क्योंकि टाइम जब आएगा वो अपने हिसाब से आएगा उसको जब आना होगा तब आएगा नहीं हमें वो टाइम अभी लाना है और अभी लाने के लिए हमारे हाथ में है मेहनत करना ईमानदारी से करना पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे ठीक है पर टाइम लाके रहेंगे चलो तो अब जरा यहां पर देखो क्लीन ये वर्ड सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में था और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में आए हैं ऐसे कितने कोड है यहां पर दो हैं एक्स यू एंड एम यू है ना अब जरा बताना इन दो कोड में से कौन सा कोड एग्जैक्टली क्लीन को रिप्रेजेंट करेगा प्रवीण बगाड़े एकदम सही ऑब्जर्वेशन है यस yes, प्रभाकर जी आपका आंसर बिल्कुल सही है हाँ हम खुद लाएंगे हाँ, हमें खुद को ही लाना है ठीक है तो क्लीन को एमयू रिप्रेजेंट करेगा कि एक्स यू रिप्रेजेंट करेगा ये फाइनल नहीं हो रहा है है ना क्योंकि उसको फाइनल करने का कोई और तरीका है ही नहीं हमारे पास बाकी दोनों स्टेटमेंट की मदद ली तो भी ये फाइनल नहीं हो सकता इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता यस yes, राहुल जी खुद हर किसी को हर किसी को अपना बेस्ट एफर्ट डालना है ठीक है चलो यहां पर क्लीन का कोड डिटरमाइन हो सकता है क्या क्लीन का कोड डिटरमाइन नहीं हो सकता क्योंकि वो कोड डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन सफिश नहीं है तो कैन नॉट बी इसका सही आंसर होना चाहिए ठीक है बोथ बोथ नहीं बोत नहीं प्रियांशी राजी बोथ नहीं होता इसमें ठीक है बोथ का मतलब क्या होगा देखो ये दो वर्ड्स है जो रीजनिंग में मतलब अलग अलग रखते हैं बोथ एंड आईदर ठीक है बोथ दोनों कोड क्लीन के हैं ऐसा अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब यह हुआ एक्स यू भी कोड हुआ और भी हुआ ऐसा तो हो नहीं सकता ठीक है एक्चुअली में इसका सही आंसर जो था ना इसका सही आंसर आइदर और होना चाहिए था इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था इसका सही आंसर आइदर एक्स यू और एमयू होना चाहिए था ठीक है बट नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में सबसे ज्यादा था इसीलिए आगे बढ़ते हैं बट अटेंडेंस मुझे कम क्यों दिख रही है? अटेंडेंस मुझे कम क्यों दिख रही है आप सेशन रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हो क्या ठीक है सेशन रेगुलर बेसिस पे आपको देखने हैं ठीक है, है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन टाइमर के साथ चलो वो डमरू भरने से पहले आप सभी को आंसर करना है यस रॉक माइकल जी बिल्कुल सही कहा आपने आंसर तो आईधर और था लास्ट क्वेश्चन का पर वो ऑप्शन में नहीं था ओके okay, श्रद्धा जी आपने आईधर और ही बताया था बढ़िया एंड टाइम अप। ठीक है टाइम हो गया है खत्म ओके okay, अब हमें इसमें क्या बोला गया था जरा ध्यान से सुनना वॉट इज द कोड ऑफ दैट हमें किसका किसका कोड चाहिए हमें दैट का कोड चाहिए इफ यू इज द कोड फॉर बिट अगर बिट का कोड एच यू है तो दैट का कोड क्या होगा यह हमें ढूंढना है अब दैट का कोड ढूंढना है तो सबसे पहले दैट को ढूंढते हैं दाट पहले स्टेटमेंट में नहीं है दैट सेकेंड स्टेटमेंट में नहीं है दैट हमें मिला थर्ड स्टेटमेंट में अगर दैट, दैट सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट में है तो दैट को रिप्रेजेंट करने वाला कोड भी सिर्फ तीसरे में होना चाहिए था इन चारों में से कौन कौन से ऐसे कोड है जो सिर्फ और सिर्फ तीसरे में ही आए हैं देख लेते हैं ठीक है टी यू हो नहीं सकता टी यू पहले में आ चुका है ठीक है बी यू हो नहीं सकता बी यू कहां पर आ चुका है बी यू सेकेंड में आ चुका है डी यू डी यू पहले में नहीं है डी यू दूसरे में नहीं है एच यू पहले में नहीं है दूसरे में नहीं है तो यहां पर अब दो कोड्स ऐसे हैं दो कोड्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ तीसरे स्टेटमेंट में आए हैं तो डी यू और एच यू में से कोई भी कोड का हो सकता था डी यू एच यू में से कोई भी कोड दाट का हो सकता था जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था बट वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए अब एग्जामिनर को क्या चाहिए अब एग्जामिनर एग्जामिनर को चाहिए। को कंफर्म आंसर चाहिए पता है है ये यहां पे कुछ कंफ्यूजन इसीलिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग फ्रेम कर दिया एग्जामिनर ने क्या कर दिया अब बीट का कोड उसने क्वेश्चन में ही बता दिया एग्जामिनर बता रहा है कि बीट का कोड एच यू है अगर बीट का कोड एच यू है तो साफ हो गया दाट का कोड क्या होना चाहिए था दाट का कोड डी यू होना चाहिए था विपिन शौकीन बिंदु राहुल जी ओके प्रवीण बगाड़े रॉक माइकल शायन इमेजिन दुनिया अच्छा इमेजिन दुनिया ये भी नाम है राहुल जी आप सभी का आंसर सही है ऑप्शन वन डी यू इज एप्सोल्यूटली करेक्ट आंसर ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है इसी तरीके से इसी जोश के साथ सबको आंसर करना है और ये डमरू भरने से पहले आंसर करना है ठीक है आंसर डमरू भरने से पहले चाहिए सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन यस प्रभाकर जी आपका भी आंसर सही था रूपा जी आपका भी आंसर सही था लास्ट क्वेश्चन का टाइम खत्म डमरू। अब आंसर दे दिया है सनी कुमार जी नहीं सनी कुमार जी ने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया रॉक माइकल कह रहे हैं एस टी ऑप्शन नंबर फोर चलो ठीक है ओके अब जरा यहां पर देखते हैं हमें किसका कोड चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कपल कपल का कोड चाहिए ठीक है प्राइस रेज कोट मटेरियल रेस ट्रीट माइन वाइट कपल ट्रीट रेज मटेरियल ठीक है कपल का कोड चाहिए था कपल कहां पर आया है कपल आया है सिर्फ और सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट पे तो कपल को जो भी है ऐसा कौन सा कोड है जो सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट में है यू तो नहीं है ए बी भी नहीं है ई एफ भी नहीं है ठीक है तो यहां पर कौन सा कोड बचा जो सिर्फ तीसरे स्टेटमेंट में आया था एस टी क्या ही डिफिकल्ट अप्रोच पता चल गया तो ये डमरू भरने से पहले आंसर करना आप क्या डिफिकल्ट है सब लोग रेडी हैं ठीक है आखिरी एक दो क्वेश्चंस सब लोग थर्टी सेकेंड के आंसर करने के लिए रेडी हो तो एक बार फटाफट टाइप करके बताओ और अभी तक जिसकी जिसकी अटेंडेंस बाकी होगी सेशन लाइक करके अटेंडेंस फटाफट मार्क कर दो अच्छा कॉलेज प्रोफेसर का कॉल था ओके निधि जी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके आंसर्स 30 सेकेंड के अंदर करने आंसर आप निकाल सकते हो एक बार मेथड पता चल गई आंसर निकाल सकते हो बट टाइम के पहले है ना चलो तो यहां पर टाइम के पहले आंसर निकालने की कोशिश करना और ये टेंथ क्वेश्चन का आंसर मुझे टाइम खत्म होने से पहले बता देना चलो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर डमरू भर गया है कितने लोगों ने आंसर दिया जरा देखें यहाँ पर पिंकी वर्मा जी कह रही है ए एफ एक्स वाई ए बी मनोज पाटिल बिंदु इंद्रजीत झा प्रियांशी राज मधु जायसवाल ई एफ एंड ए बी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है ठीक है बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है बट जल्दबाजी के चक्कर में कहीं गलती तो नहीं की ये भी देखना है है ना क्योंकि गलत आंसर करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव में हमें जाना नहीं है ठीक है रेज का कोड पूछा था रेज का कोड बताने के लिए रेज कहां कहां पर है देख लेते हैं रेज यहां पर है रेज यहां पर है रेज यहां पर है तीनों स्टेटमेंट में रेज कॉमन है ठीक है रेज के अलावा क्या कोई और वर्ड तीनों स्टेटमेंट में कॉमन है यह भी देखना पड़ेगा क्योंकि रेज के अलावा अगर कोई और वर्ड तीनों स्टेटमेंट में कॉमन रहा तो कोड भी तो एक और कॉमन आ जाएगा तो जरा देखते हैं क्या रेज के अलावा और कोई वर्ड तीनों में कॉमन है या नहीं ठीक है तो जरा यहां पर देखो प्राइज रेज कोट मटेरियल ट्रीट माइन व्हाइट प्राइज कोट मटेरियल ट्रीट माइन व्हाइट कुछ भी कॉमन नहीं है ठीक है कपल ट्रीट मटेरियल ओके तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों तीनों स्टेटमेंट में आ, रेज के अलावा और कुछ कॉमन नहीं था ठीक है तो ऐसा कौन सा कोड है जो तीनों जगह दिखाई दे रहा है ऐसा कौन सा कोड है जो तीनों जगह दिखाई दे रहा था ए बी ए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ठीक है सरेंडर तनवर ये क्या नाम हुआ आपका आंसर तनवर जी आपका आंसर सही है ठीक है आपका आंसर सही है तो ए बी जिन्होंने दिया था सबका आंसर सही था ए e एफ जिन्होंने आंसर दिया था बस थोड़ा सा देखना कि गलती क्यों हुई अगर आप ये ढूंढने जाओगे ना कि आपकी गलती क्यों हुई तो इसका एक ही रीजन है और वो क्या है कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा और उसी की वजह से गलती होगी ठीक है ना सिलेक्शन लेना है मतलब एक्चुअली हम सबको यही करना है कि इन प्रैक्टिस के सेशंस में इन प्रैक्टिस सेशंस में आप कहां पे गलती कर रहे हो ये आपको समझना है और उस गलती को सुधारना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे आंसर कब चाहिए टाइम खत्म होने से पहले चाहिए और अब की बार जो गलती की थी ना आप में से कुछ लोगों ने कुछ ही लोगों ने की थी बट अब वो भी नहीं चाहिए अब हंड्रेड परसेंट करेक्ट आंसर चाहिए चलो बताओ हाँ शायद ये आखिरी क्वेश्चन है इसके बाद हमें सेशन खत्म करना है होमवर्क देके टाइम खत्म ठीक है चलो तो यहां पर क्या आंसर मिल रहा है मटेरियल फोर मटेरियल फोर फोर में क्या है मटेरियल ही है चलो यस, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर ठीक है, है? अरुण केशव जी ने चार के साथ साथ अपना दिल भी यहां पर भेज दिया है. चलो ठीक है यहां पर देखते हैं क्या आंसर है इस क्वेश्चन का सवाल क्या है बट यू वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अब यूवी यूवी किसको रिप्रेजेंट करता है देखने के लिए यूवी कहां कहां पर आया देखते हैं यूवी फर्स्ट में है यूवी सेकंड में नहीं है यूवी थर्ड में है तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो फर्स्ट और थर्ड दोनों में ठीक है आ, यहां पर फर्स्ट और थर्ड दोनों में रेज था बट रेज का कोड तो यूवी होगा नहीं क्योंकि रेज का कोड कुछ अलग है ये हमने देख लिया है तो रेज हमारी ऑप्शन में से हट गया ठीक है यहाँ पर और दूसरा वर्ड कौन सा है और दूसरा वर्ड मटेरियल है तो मटेरियल यहां पर हमें फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट में मिल रहा था ऑप्शन फोर मटेरियल करेक्ट आंसर होना चाहिए था जो आप सब लोगों का सही था है ना ठीक है तो कोडिंग डिकोडिंग का सेशन आज हमारा यही पे हम कंक्लूड करेंगे ठीक है सब लोग मुझे कमेंट करके बताना सेशन में मजा आने के साथ साथ आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा ठीक है देखो यहां पर यूट्यूब पे हमारे प्रैक्टिस सेशंस तो चल ही रहे हैं ठीक है यूट्यूब पे हमारे प्रैक्टिस सेशंस चल ही रहे हैं ओके आपको रेगुलर रहना है इन प्रैक्टिस सेशंस में ठीक है अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं ठीक है होमवर्क करना है और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सेशन खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना है कल का होमवर्क सिर्फ चार लोगों ने किया था ठीक है आज का होमवर्क देखते हैं कितने लोग सही से करते हैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ठीक है ओके okay? चलो यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना क्या है ठीक है तो चलो यहां पर जैसा कि मैं कह रहा था यूट्यूब पर डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस हो ही रही है ठीक है ओके okay? यूट्यूब पर डेली बेसिस पर हमारी क्लासेस हो ही रही है ऑफिस अटेंडेंट का फुल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है जिसमें सारे टॉपिक्स ओके जिसमें सारे टॉपिक्स एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक एकदम अच्छे से फिर चाहे वो मैथ्स हो रीजनिंग हो इंग्लिश हो या फिर जीए हो है ना एक सारे टॉपिक्स एकदम अच्छे से कवर किए जाएंगे इस बैच में आप में से बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं और उनका फीडबैक भी मतलब अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं हर रोज ठीक है तो अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो इस लिंक पे जाके बैच में एनरोल कर सकते हो ठीक है टॉपिक क्लियर होने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए चार हजार क्वेश्चन मिलने वाले चार हजार से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं ठीक है एनरोल करते वक्त अगर आप सचिन ए इस कूपन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो चलिए चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक आप में से किसी ने सेशन में अटेंडेंस मार्क नहीं की होगी तो मार्क कर देना आज के सेशन में यही पर रुकते हैं थैंक यू टेक केयर एंड एंजॉय योर टाइम थैंक यू सो मच